हेलो स्टूडेंट्स सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज कार्डियक साइकिल इन प्रीवियस पार्ट वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट ओके सो लेट्स गेट स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय कार्डियक साइकिल कार्डियक साइकिल एक्चुअल में होती क्या है ओके सो इसको समझने के लिए आप आज के पहले डेफिनेशन देखिए इट इज अग कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट फॉर पम्पिंग द ब्लड आप सबको पता है दैट हार्ट इज द मेन ऑर्गन दैट हेल्पिंग इन द पंपिंग ऑफ द ब्लड ओके जो कि आपकी ब्लड को पम्प करने में हेल्प करता है ओके okay, सो so ये आपका क्या है मेन ऑर्गन है इसी की हेल्प से कंप्लीट बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो पम्प होता है ओके okay, लेकिन ये ब्लड पंप किस तरीके से होता है ये पहले आपने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ लिया लाइक आपने टेंथ में ही पढ़ के आए हो आप ह्यूमन फिजियोलॉजी वाले लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर के अंदर येस उसके अंदर आपने, आपने पढ़ा होगा दैट जब हार्ट के इस तरीके से हमने पढ़े थे ना कि भाई ये हमारे पास क्या है ओरिकल्स हैं या फिर अट्रीयम है और ये क्या है दोनों के दोनों वेंट्रिकल हैं तो आपने ये पढ़ा होगा कि भाई जो अट्रियम होते हैं ये आपके क्या होते हैं कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और तब जो ब्लड होता है वो नीचे की साइड यानी कि जब जो अटरिया होंगे जब वो क्या होंगे आपके कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो क्या हो जाएगा एक तरीके से जो ब्लड है वो कहाँ पर चला जाएगा वेंट्रिकल के अंदर ठीक है कहाँ पर चला जाएगा वेंट्रिकल के अंदर सो जो ये कॉन्ट्रैक्शन होती है देखो यहाँ पर आपके दो तीन वर्ड लिखे हुए हैं जैसे जब हार्ट है जो ऊपर वाले पार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ब्लड नीचे वालों में आ जाता है ठीक है या नीचे आ जाता है उसके बाद जब ये रिलैक्स होते हैं और जब ये नीचे वाला पोर्शन आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड है जो ऑल ओवर बॉडी के अंदर चला जाता है ठीक है लेकिन साथ साथ में आपको कुछ टर्म भी याद करनी है दैट अगर हम ये बोल रहे हैं दैट हार्ट पार्ट्स गेट कॉन्ट्रैक्ट सो इट मीन्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए आपका यहाँ पर एक वर्ड है दैट इज़ सिस्टोल ओके दैट इज़ सिस्टोल उसके बाद फिर आपका क्या आता है एक आता है आपका रिलैक्सेशन ठीक है यानी कि जो आपके हार्ट चैम्बर है वो क्या हो गए हैं रिलैक्स हो गई हैं दैट इज़ नोन एज डायस्टोल ओके इसको हम क्या बोलेंगे डायस्टोल ठीक है कॉन्ट्रेक्शन को हमने क्या वर्ड यूज़ किया है सिस्टोल और रिलैक्सेशन के लिए हमने क्या यूज़ किया है डायस्टोल सो यहाँ पर कार्डियक साइकिल की बात करते हैं तो एक तरीके से जब हार्ट कंप्लीट वे से हार्ट जो कंप्लीट वे से क्या होता है आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है तो ये एक साइक्लिक हो गई है यानी कि ऊपर वाले पार्ट कॉन्ट्रैक्ट होंगे तब नीचे वाले रिलैक्स होंगे जब नीचे वाले कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ऊपर वाले रिलैक्स होंगे तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन चलता रहता है तो इस कंप्लीट साइकिल को हमने क्या नाम दिया है कार्डियक साइकिल ओके सो ये आपके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की साइकिल है उसके बाद अगर हम बात करते हैं फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल सो मेनली आपके थ्री फेजेस होते हैं फर्स्ट वन इज ज्वाइंट डायस्टोल सेकेंड वन इज आर्ट्रियल सिस्टोल एंड थर्ड वन इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल ठीक है और नाम से आपको पता लग रहा है दैट ज्वाइंट डायस्टोल मीन्स दोनों के दोनों पार्ट दैट इज आर्ट्रियम एज वेल एज वेंट्रिकुलर बोथ आर रिलैक्सड ओके बोथ आर एट रिलैक्स पोजिशन ठीक है डायस्टोल मीन्स रिलैक्स हैं ज्वाइंट मीन्स दोनों के दोनों ओके okay? देन सेकेंड स्टेप आपके पास क्या आता है अट्रियल सिस्टोल इट मीन्स इस पोजिशन के ऊपर क्या होगा दोनों के दोनों जो चैम्बर होंगे इट मीन्स जो अट्रियम वाला चैम्बर होगा वो आपका क्या हो जाएगा सिस्टोल हो जाएगा मीन्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा एंड थर्ड फेज में आपका क्या है वेंट्रिकुलर सिस्टोल यानी कि जो वेंट्रिकल पोर्शन है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा ठीक है अब चलो वन बाय वन इनका एक एक जो ये पॉइंट है इनको देखते हैं सो फर्स्ट वन इज़ योर ज्वाइंट डायस्टोल ठीक है फर्स्ट स्टेप आपका कौन सा है ज्वाइंट डायस्टोल इसमें देखिए क्या क्या होता है फर्स्ट स्टेप में आपका क्या दिखा रखा है यहाँ पर इट इज़ अ रिल्स स्टेट ऑफ ऑल द चैम्बर आपको पहले ही बता दिया गया था दैट ज्वाइंट डायस्टोल मीन्स सारे के सारे जो हार्ट के चैम्बर्स हैं लाइक अट्रियम है और वेंट्रिकुलर है ठीक है तो चारों के चारों आपके चैम्बर चारो क्या हो जाएंगे रिलैक्स पोजिशन पर दैट्स वाई इट इज़ नोन एज ज्वाइंट डायस्टोल बट इस स्टेप के ऊपर और क्या कुछ होता है सो so, यहाँ पर देखिए वेन द ट्राइक स्पीड एंड बाइक स्पीड वॉल ओपन यानी कि आपको ट्राइक स्पीड और बाइक स्पीड वॉल की पोजिशन कहाँ पर बताई थी ट्राइक स्पेड आपकी कहाँ पर थी राइट साइड ओके लैब रेट बताया था ना कल बाइक स्पीड आपकी कहाँ पर थी लेफ्ट साइड ठीक है तो आपके यहाँ पर यह लेब बताया था और यह आपका रेट बताया था ठीक है राइट साइड ट्राइक स्पीड और लेफ्ट साइड आपकी बाइक स्पीड जब यह आपकी ओपन होती है तो कहाँ कहाँ पर ओपन होती है देखो ओपन ब्लड ओपन एंड ब्लड फ्रॉम पल्नरी वेन एंड वीना कावा फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल रिस्पेक्टिवली थ्रो लेफ्ट एंड राइट अट्रिया इट मीन्स जो आप जैसे ही आपकी देखो यहाँ पर वॉल थी एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है ओके जैसे ही ये आपकी वॉल ओपन होती हैं तो इस टाइम पर क्या हो जाता है ब्लड आता है कहाँ कहाँ से आता है पल्मोनरी वेन से आता है और वीना कावा से आता है पल्मोनरी वेन के अंदर कैसा ब्लड होगा आपका यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड ठीक है ये आप आ, रेस्पिरेटरी सिस्टम वाले चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हो दैट जो आपकी आर्टरीज होती हैं वेंस होती हैं वो कैसा कैसा ब्लड कैरी करती है जो आर्टरीज होती हैं वो आपका प्योर ब्लड कैरी करती हैं ठीक है और जो आपकी वेंस होती हैं वो आपका कैसा ब्लड कैरी करती हैं जो डी होता है उसको ठीक है बट जो पलनरी आर्टरी और पलनरी वेन ये आपके एक्सेप्शन केस हैं यानी कि पलनरी वेन आपका कैसा ब्लड कैरी करेगी ऑक्सीजनेटेड ओके okay? और यहाँ पर जो वीना कावा है वो कैसा ब्लड लेकर आएगी आपका डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ठीक है और कहाँ पर रखेगी फ्लो इन टू लेफ्ट एंड राइट पल्नरी वेन कहाँ पर लेकर आएगी अब इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ठीक है और बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि हार्ट के कौन से साइड आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है लेफ्ट और राइट राइट में ठीक है तो आपका जो एक तरीके से ऑक्सीजनेटेड होगा वो यहाँ पर है सॉरी so, ये लेफ़्ट साइड आपकी ठीक है ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका लेफ़्ट साइड रहेगा और यहाँ पर जो ये ब्लू कलर से दिखाया हुआ है ये आपका सारा का सारा कैसा है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ओके सो यहाँ पर आपका जो ब्लड है वो आ जाएगा उसके बाद थर्ड इसके अंदर पॉइंट क्या होगा सेमी लूनर वाल आर क्लोज्ड एट दिस स्टेज यहाँ पर आपकी क्या रहेंगी जो सेमी लूनर वाल थी सेमी लूनर वाल की पोजिशन कहाँ पर बताई थी ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे ओके okay? लास्ट वाले पार्ट के अंदर आपको ये सब कुछ बता दिया था सो so, आप ये वाला कमेंट सेक्शन के अंदर फिर से बताओगे दैट वट इज़ द पोजिशन ऑफ सेमी लूनर वाल ओके आप इनके नंबर भी बताओगे कि हार्ट के अंदर सेमी लूनर वाल कितनी होती हैं ठीक है सो so, ये हो गया है आपका जॉइंट डायस्टोल इसके अंदर आपके यही आए हैं कि सारे के सारे जो चैम्बर्स होते हैं वो आपके रिलैक्स स्टेज पर हैं ट्राइक स्पेड और बाइक स्पेड वाल आपकी ओपन है उन्होंने ब्लड को फ्लो कर दिया है लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल के अंदर उसके साथ साथ सेमी लूनर वाल आपकी क्लोज है ठीक है उसके बाद देखिए आपके यहाँ पर आता है नेक्स्ट स्टेप दैट इज योर यट्रियल सिस्टोल ठीक है अट्रियल सिस्टोल के अंदर देखिए क्या कुछ होता है नाम से पता लग रहा है अट्रियल सिस्टोल मीन्स जो ऊपर वाले चैम्बर हैं अटरिया हैं वो क्या हो जाएंगे आपके कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे ठीक है ना क्या हो जाएंगे आपके कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो यहाँ पर देखिए अब वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे कैसे मतलब हार्ट काम करना कैसे स्टार्ट करेगा अभी तक तो हार्ट कैसा है बिल्कुल रिलैक्स पोजिशन पर था दोनों चारों के सारे चैम्बर जो चार के चार चैंबर थे वो कैसे थे आपके रिलैक्स पोजिशन पर थे बट यहाँ पर देखिए एस ए एन जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल ओके जो एस ए एन है एस ए नोड है वो क्या जनरेट कर रहा था एक्शन पोटेंशियल ये हमने प्रीवियस पार्ट के अंदर डिस्कस कर लिया था दैट एक्शन पोटेंशियल जनरेट कौन करता है एस ए नोड इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया था पेस मेकर क्योंकि ये एक्शन पोटेंशियल से हार्ट की जो कंट्रैक्शन है उसको स्टार्ट करता है ओके एज अ रिजल्ट बोथ द एट्रिया गेट कॉन्ट्रैक्ट इट इज कॉल्ड एट्रियल स्टोल अब इस एक्शन पोटेंशियल की वजह से ही क्या होता है जो दोनों के दोनों अट्रिया होते हैं वो क्या हो जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं अब आप ख़ुद बताओ जैसे जो ये ऊपर वाला पोर्शन है इसके अंदर भी ब्लड था नीचे वाला पोर्शन है इसके अंदर भी ब्लड था ठीक है एक्शन पोटेंशियल जैसे ही जनरेट हुआ तो ये वाला पार्ट क्या हो गया कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो जो ये वाली वॉल थी यहाँ पर ये यह आपकी क्या हो जाएंगे एकदम से ओपन होने की वजह से देखो फर्स्ट स्टेप में आपकी ये ओपन हो रखी थी ओपन होते ही ये क्या हो जाएंगी यहाँ पर जो ब्लड है वो नीचे पास हो जाएगा तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इंक्रीज द फ्लो ऑफ ब्लड इन टू द वेंट्रिकल बाई अबाउट थर्टी परसेंट इट मीन्स जो ब्लड का फ्लो है जैसे नॉर्मल वे से भी खुली हुई थी पहले भी वॉल तो नॉर्मल जो ब्लड है वो जा रहा था ठीक है लेकिन अब क्या हो जाएगा आपका जो ब्लड है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा यानी कि फ़्लो इंक्रीज़ हो जाएगा एक तरीके से ऊपर से कोई भी चीज़ कॉन्टैक्ट हुई आप खुद सोच के देखो हमारे पास एक बलून ही है आ या यस yes, आपके पास एक नॉर्मल बलून है ठीक है या फिर आप पाइप ले सकते हो जो नॉर्मल हमारे घरों में पाइप आती है पानी वाली तो आप उसको ले लो ठीक है आप क्या करते हो एक तो नॉर्मल वे से चल रही है अगर हम उसके बीच में ऐसे फिंगर रखते हैं ना जैसे हम छोटे थे तब करते थे और बीच में फिंगर रखते ही क्या हो जाता है उसका प्रेशर ज़्यादा हो जाता है ठीक है ना क्योंकि उसका क्या हो जाता है एक तरीके से जो एरिया है जो उसका डायमीटर वो कम हो जाता है तो सेम वैसे से यहाँ पर भी जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ ऊपर वाला एरिया तो क्या हो गया एकदम से प्रेशर इंक्रीज हो गया और ब्लड एकदम से ज़्यादा फ्लो करने लग गया ओके ये कब हुआ है जब आपका आट्रिया सिस्टोल हुए हैं यानी कि जब आपका कॉन्ट्रैक्शन हुआ हो ऊपर वाले पार्ट का ठीक है अब यहाँ पर देखिए इस वाले पार्ट के अंदर क्या होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल वेंट्रिकुलर सिस्टोल के अंदर देखो क्या है इसके अंदर फर्स्ट में द एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड टू वेंट्रिकुलर साइड यानि कि कल आपको क्या बताया गया था दट यहाँ पर आपके क्या हैं ये वाले सारा का सारा नोडल टिश्यू है लेकिन फिर वो यहाँ पर इस तरीके से आ गया था है ना जहाँ पर आपके बंडल ऑफ हिज और प्रकिंजी फाइबर्स इस तरीके से बनी थी ना तो यहाँ पर आपको क्या देखना है कि भाई जो एक्शन पोटेंशियल है जैसे वो इस वाले एरिया के अंदर आता है एक सेकेंड यस इस वाले कलर से देखते हैं जैसे ही एक्शन पोटेंशियल ने यहाँ पर आया ठीक है यहाँ पर आते ही क्या हो जाता है आपका जो हार्ट है यानी कि जो आपका एक्शन पोटेंशियल है एक्शन पोटेंशियल फिर यहाँ पर आ जाता है ठीक है जो वॉल है ये वेंट्रिकल की यहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर आपके क्या थे कंप्लीट ए वी नोड ठीक है ना ए वी नोड प्रेजेंट थे ना यहाँ पर ऊपर एस ए नोड थे और यहाँ पर क्या थे आपके प्रेजेंट एस ए वी नोड सो ए वी बंडल फ्रॉम वेयर बंडल ऑफ हिज ट्रांसमिट थ्रू द वेंट्रिकुलर मसल्स यानी कि जो बंडल ऑफ हिस्स थे उनकी हेल्प से क्या हो गया जो एक्शन पोटेंशियल है वो एक तरीके से पास हो गया आप ये मान लो जैसे नॉर्मल वे से होता है ना कि यहाँ पर आपकी आप कोई भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट है ठीक है इलेक्ट्रिक सर्किट में यहाँ पर करंट प्रजेंट अभी ओके okay? और हमें करंट को यहाँ तक पहुँचाना है इस पॉइंट तो हम क्या करेंगे एक वायर की हेल्प से पहुँचा सकते हैं ठीक है सेम वे से ये हार्ट का अट्रियम पार्ट है हार्ट के अट्रियम पार्ट से क्या हुआ है एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रखा है अब हमें वेंट्रिकल तक पहुँचाना है तो साथ में कौन हेल्प करेगा बंडल ऑफ हिल्स और एवीनो ओके okay, यहाँ से क्या है आपका जो एक्शन पोटेंशियल है एक तरीके से वो क्या हो जाएगा पास हो जाएगा और जैसे ही एक्शन पोटेंशियल पास हुआ तो एक्शन पोटेंशियल का काम ही क्या है कॉन्ट्रैक्शन करना तो क्या हो जाएंगे आपके जो वेंट्रिकल हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट कर जाएंगे और इसी पॉइंट को हमने क्या नाम दिया है वेंट्रिकुलर सस्टोल ठीक है क्या नाम दिया इसको हमने वेंट्रिकुलर सस्टोल अब इस पर क्या होता है ड्यूरिंग दिस अट्रिया अंडरगोज डायस्टोल यानी कि अब देखो आ, जैसे आप ये समझ सकते हो कि भाई यहाँ पर जैसे ऊपर वाला पोर्शन ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और नीचे वाले में ब्लड आ गया था तो ऊपर वाला क्या तब क्या था कॉन्ट्रैक्ट और ये क्या था रिलैक्स लेकिन अब एक्शन पोटेंशियल इस वाले के अंदर आ गया है ठीक है वेंट्रिकुलर के अंदर एक्शन पोटेंशियल आ गया तो अब वेंट्रिकुलर क्या हो गए सिस्टोल ठीक है तो सिस्टोल के बाद ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा जस्ट अपोजिट डायस्टोल ठीक है यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट तो दूसरा रिलैक्स ऐसे ही होता है ना एक बार ऊपर वाला पोर्शन कॉन्ट्रैक्ट होगा फिर नीचे वाला पोर्शन कॉन्ट्रैक्ट होगा ओके okay? सो so, इस तरीके से क्या हो जाएगी आपकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो जाएगी ठीक है अब देखो यहाँ पर जो आ, वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो गया था जैसे ठीक है वेंट्रिकुलर सिस्टोल से होगा क्या क्या वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीज वेंट्रिकुलर प्रेशर अब यहाँ से जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये प्रेशर को इंक्रीज करेगा क्योंकि यहाँ पर एरिया कम हो गया तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा जिसकी वजह से क्या हो जाएगा आपका क्लोज़र ऑफ ट्राई का स्पेड एंड बाई का स्पीड वॉल जो ये आपकी ट्राई का स्पेड और बाय का स्पीड वॉल्व आपकी क्या हो रखी थी पहले ओपन हो रखी थी ना कि भाई ब्लड इसके अंदर आ गया था लेकिन अब जैसे इसके अंदर प्रेशर बनेगा तो प्रेशर होते ही तो ये वापस भी तो जा सकता है ना ब्लड इसलिए क्या हो जाएगा ये वाली वॉल आपकी क्या हो जाएंगी क्लोज हो जाएंगी ठीक है दो तो दोनों की दोनों वॉल आपकी क्या हो जाएंगी क्लोज हो जाएंगी सो दैट ब्लड का बैक फ्लो ना हो सके बट इस टाइम पर और क्या होगा सेमीलूनर वाल्व गेट ओपन ठीक है जो लूनर वाल होंगी वो आपकी ओपन हो जाएंगी ठीक है क्योंकि लूनर वाल की हेल्प से ही कहाँ पर जाएगा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एंटर कर जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के अंदर कहाँ से राइट right वेंट्री के अंदर ठीक है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर जाएगा आयोरटा के अंदर ओके okay. कब होगा ये सब जब सेमिलूनर वाल ओपन होंगी ठीक है आप एक तरीके से ये मान लो कि यहाँ पर ये वाला एक गेट थे जो कि आपके वाई कस्पीड और ट्राई कस्पीड के फॉर्म में थे और दूसरे वाले कहाँ पर थे आपके सेमिलूनर वाल की फॉर्म में थे जो कि आयोरटा के पास था एक तो एयोटा के अंदर ओपन हो रहा और सेकंड पलनरी आर्टरी के अंदर ओपन हो रहा था ठीक है अब ये वाले गेट तो हमारे बंद हो गए तो क्या है ब्लड का तो प्रेशर इंक्रीज हो गया है वो तो अगर यहाँ के दरवाजे इनको बंद मिलेंगे तो कहीं और से निकल जाएगा ठीक है ना तो कहीं और के दरवाजे यानी कि सेमी लूनर वाल के थ्रू क्या हो जाएगा जो ब्लड है वो अपना रास्ता बना लेगा ठीक है ना उसके बाद यहाँ पर देखो यस ये वाला लास्ट रह गया अब आपका वेंटिकुलर सिस्टोल अब देखो यहाँ पर जैसे ही जो ब्लड है वो कहाँ पर चला गया है आपके कंप्लीट आम बॉडी के अंदर चला गया ठीक है पलनरी आर्टरी के थ्रू चला गया और आयोरटा के थ्रू चला गया है ठीक है यहाँ पर नहीं ये आपका ये नहीं आएगा ठीक है पलनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा और कहाँ पर जाएगा इस आयोरटा के थ्रू जाएगा लेकिन इस टाइम पर क्या हो जाएगा अब ब्लड इसमें से निकल चुका है ना वेंट्रिकल वाले पोर्शन में से निकल चुका है प्रेशर फिर से क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा और प्रेशर जैसे ही डिक्रीज़ हुआ तो वेंट्रिकल क्या हो जाएंगे रिलैक्स हो जाएंगे ओके okay, तो नीचे वाला पोर्शन क्या हो गया है आपका डायस्टोल एंड वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल कोजिंग ठीक है उसके बाद फिर अगर एकदम से प्रेशर कम हो गया तो जो ये वॉल ओपन हुई थी कौन सी वाली ओपन हुई थी सेमी लूनर वॉल फिर से ये क्या हो जाएंगी आपकी क्लोज हो जाएंगी सो so दैट आयोरटा में से फिर से वापस ना आ सके और ना ही पल्बनरी आर्टरी में से ब्लड वापस आ सके ओके okay? इसलिए क्या हो जाएंगी आपकी जो वॉल्व है ये फिर से क्लोज हो जाएंगी उसके बाद फिर से देखो ये वाली साइकिल वैसे तो यहाँ पर कंप्लीट हो गई आपकी ठीक है ना अब यहाँ पर कंप्लीट हो गई है क्योंकि एक बार हमारे पास ट्राइक स्पीड और बाइक स्पीड वाल ओपन हो गई थी ब्लड नीचे आ गया था फिर ऊपर जाते टाइम क्या हो गई थी ये वॉल्व बंद हो गई थी ठीक है ये वॉल्व बंद हो गई थी और कौन सी वाल ओपन हो गई थी आपकी सेमी लूनर वाल आपकी ओपन हो गई थी और जो ब्लड है वो वापस चला गया था फिर वापस ब्लड ना आए इसके लिए ये दोनों की दोनों वॉल्व आपकी क्लोज हो गई थी ठीक है अब वापस से बॉडी में से फिर से अब ब्लड आएगा और फिर से ब्लड कहाँ पर आ जाएगा आपका ऊपर वाले चैम्बर के अंदर दैट इज योर एट्रियम और फिर से एट्रियम के अंदर प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा प्रेशर इंक्रीज होते ही फिर से ट्राइक स्पीड और बाइक स्पीड वॉल ओपन हो जाएंगे ठीक है हो गया सो so, इस तरीके से हमारे पास जो कार्डियक साइकिल है उसके हमने तीनों फेज हैं वो डिस्कस कर लिए हैं उसके बाद हमारे पास कार्डियक साइकिल से रिलेटेड एक दो टर्म्स और आती हैं चलो उनको भी डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या पढ़ना है दैट कार्डियक साइकिल इज गैट कम्प्लीटेड इन टू ज़ीरो पॉइंट एट सेकेंड ओके टाइमिंग आपको बहुत अच्छे से लर्न करनी है ओके वेरी इंपॉर्टेंट ये आपकी कितने टाइम की होती है जीरो पॉइंट एट सेकेंड की ओके okay? लेकिन हम क्या बोल सकते हैं देट वन हार्ट बीट इज़ इक्ल टू वन कार्डियक साइकिल क्योंकि जैसे ही एक बार ऊपर वाला एक कॉन्ट्रैक्ट होता है नीचे वाला रिलैक्स और नीचे वाला कॉन्ट्रैक्ट और ऊपर वाला रिलैक्स जैसे ही ये वाला फेज़ कम्प्लीट होता है तो इसी को हमने कार्डियक साइकिल का नाम दिया है और तभी के तभी क्या हो जाती है हमारे पास वन हार्ट बीट है वो कम्प्लीट हो जाती है लेकिन यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है दैट नॉर्मल हार्ट बीट कितनी होती है हम एवरेज सेवेंटी टू टाइम्स लेते हैं पर मिनट बट ये अप्रोक्स सेवेंटी से सेवेंटी फाइव के बीच में हो सकती है आपकी ओके सो इट मीन्स एक मिनट के अंदर हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी कार्डियक साइकिल हो सकती हैं क्योंकि जब एक मिनट के अंदर सेवेंटी टू टाइम्स हार्ट बीट करता है तो अप्रोक्सीमेटली कितनी साइकिल्स आपकी हो सकती हैं वो आप कैलकुलेट करके बताओगे ओके okay? ये आप कमेंट सेक्शन में आंसर करोगे दैट हाउ मैनी कार्डियक साइकिल कैन टेक्स प्लेस इन वन मिनट ओके okay? चलो आगे करते हैं अब आप। देखो आपकी दो टर्म आती है यहाँ पर स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट इसको देखो आपको स्ट्रोक वॉल्यूम को कैलकुलेट करने का आपके पास एक फॉर्मूला होता है स्ट्रोक वॉल्यूम आपकी एक्चुअल में होती क्या है इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकुलर ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल यानी कि जब कार्डियक साइकिल होती है तो उस टाइम पर जो वेंट्रिकल है वो कितना ब्लड को पम्प करता है ठीक है उसी वॉल्यूम को हमने क्या नाम दिया है स्ट्रोक वॉल्यूम और ये आपकी कितनी होती है सेवेंटी एम ठीक है इसको आपको लर्न करना है क्योंकि ये आपकी सेवनटी एम वॉल्यूम है जो आगे यूज होगी ठीक है स्ट्रोक वॉल्यूम आपकी क्या हो गई है जो कि वेंट्रिकल ने ब्लड को पंप किया है उस वॉल्यूम को हमने स्ट्रोक वॉल्यूम का नाम दिया और कितना ब्लड पंप किया इसने सिर्फ सेवेंटी एम ओके उसके बाद नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है दैट इज़ योर कार्डियक आउटपुट कार्डियक आउटपुट आपकी क्या होती है दैट जो स्ट्रोक वॉल्यूम है यानी कि वेंट्रिकल ने कितना जो ब्लड है वो पंप किया है यानी कि स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई हार्ट बीट ओके या फिर आप क्या बोल सकते हो हार्ट रेट ओके इसको ही हमने क्या नाम दिया है कार्डियक आउटपुट सो यहाँ पर आपकी जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो आपकी कितनी थी सेवेंटी एम एल मल्टीप्लाई हार्ट रेट कितनी होती है एवरेज लेकर चलते हैं सेवेंटी टू तो आपकी कितनी हो जाएगी फाइव जीरो फोर ज़ीरो एम एल ठीक है तो ये आपकी क्या हो गई है कार्डियक आउटपुट लेकिन हम इसको एक्चुअल में ना मानकर अप्रोक्स कितने लेते हैं फाइव थाउजेंड ओके फाइव थाउजेंड मीन्स अप्रोक्स फाइव लीटर ठीक है क्या लेते हैं आपकी अप्रोक्स फाइव लीटर जो हमारे पास क्या होती है कार्डियक आउटपुट यानी कि इतना जो ब्लड है वो हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता रहता है ठीक है ये हमारे पास ब्लड की क्वांटिटी है ठीक है फाइव लीटर लेकिन जो एच होता है वो कितना होता है आपका मैक्सिमम ट्वेल्व टू सिक्सटीन ग्राम ओके और कार्डियक आउटपुट पुट होती है जो हमारे देखो जैसे आप सबको पता नहीं कि भाई जो हार्ट रेट है वो पर पर्सन पर, पर इंडिविजुअल चेंज होती रहती है सपोज करो एक पर्सन की जो हार्ट बीट है वो सेवेंटी टू भी नहीं है सेवेंटी लगा लो ठीक है और एक की सेवेंटी एट हो गई लेकिन स्ट्रोक वॉल्यूम तो सेम रहेगी सेवेंटी ठीक है तो इसकी मल्टीप्लाई सेवेंटी के साथ होगी और इसकी मल्टीप्लाई सेवेंटी एट के साथ होगी ठीक है ना तो आपकी जो कार्डियक आउटपुट है वो आपकी चेंज हो सकती है अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो एथलेट्स होते हैं जो कि एक तरीके से प्लेयर होते हैं वो उनकी हार्ट रेट है वो काफ़ी हाई होती है दैट्स वाई देयर कार्डियक आउटपुट इज ऑल्सो वेरी हाई ओके सो यहाँ पर ये आपकी कंप्लीट कार्डियक साइकिल है वो हो गई है ओके okay? इसके बाद आप ये एक वीडियो यस uh, yes. आप सिर्फ यहाँ तक ही पढ़ लेना और अगर यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है देन यू कैन आस्क एनी टाइम और जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हो थैंक यू सो मच हैव अ नाइस डे